गणेश चतुर्थी पर आज से यानी शनिवार से शहर में गणेश महोत्सव की गूंज सुनाई देने लगी। बीते कई सालों से नगर में गणेश प्रतिमाओं की बिक्री की संख्या में वृद्धि भी होती जा रही है। प्रयागराज में शनिवार से गणपति बप्पा की गूंज शुरू हो गई, जो अगले 11 दिनों तक गुंजायमान रहेगी। इस बार प्रयागराज में भी इस त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। मूर्ति कलाकारों की माने तो हर साल की अपेक्षा इस साल 50% अधिक मूर्ति की बिक्री हुई है। घरों के लिए लोगों ने 4 इंच से लेकर 4 फीट तक की मूर्ति खरीदी है, तो वहीं पंडालों के लिए 8 फीट की मूर्ति की बिक्री हुई है। मूर्ति कलाकार ने बताया कि इस बार लोग मूर्ति की खूबसूरती के साथ साथ कुछ नया भी देखना पसंद कर रहे हैं। यहाँ हमारी पूरी कमेटी हाजिर है। हम लोग ये 4th कंप्लीट हुआ है। इस बार का जो हम लोगों ने गणपति थीम रखा है, भोले बाबा और उनको मिला करके पूरी हम लोग की 11 फीट की खड़ी मूर्ति है। और इस हर साल की तरह इस बार भी वो इको फ्रेंडली मूर्ति हम लोगों ने तैयार करवाई है। थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए कि जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अपने हम लोग ने आगे की फ्यूचर को सोच के ये सोचा कि ग्लोबल वार्मिंग को सेव करने के लिए इको फ्रेंडली मूर्ति ज़्यादा अच्छी रहेगी अपने लिए। इसका पूरे हमारी कमेटी यहाँ पे हाजिर है और हम लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आए तैयारी करके। पूरा ढोल नगाड़ा भी हम लोग का आ रहा है। पूरे भव्य तरीके से हम अपने बप्पा को यहाँ से लेके जाएंगे। क्या कामना करेंगे बप्पा को लेके जा रहे हैं, क्या कामना रखेंगे? बप्पा यही कामना है कि हमारे जितने कमेटी मेंबर है सब अपना इसी उत्साह से हर साल इसी तरह से और अच्छे से अपने पूरा इस पूजा को अच्छे से करते रहे और धीरे धीरे हम लोग इसमें और अपना वृद्धि करते रहेंगे।